Hello students, welcome again on Nimbus Learning powered by Engineers Academy, myself Ranjit Kumar. स्वागत है सर आज की क्लास में आप सभी लोगों का. A very good afternoon to all of you. चलिए सर आज शुरू करते हैं क्लास. कल मैंने आपको क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी के बारे में बताया था. मैंने सिर्फ लिखा था, समझाया नहीं था. तो आइए आज हम लोग उसको समझते हैं और देखते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है. ठीक है, ब्लैक लग रहा है ज़्यादा. ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको क्लोज्ड इकोनॉमी और ये बताया था मैंने ओपन इकोनॉमी. ठीक है, इसमें मैंने बताया था टैरिफ, ड्यूटी क्या है, हाइक है, डंपिंग ड्यूटी ये भी हाइक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी और बैन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यही बताया था ना. यहां पर बताया मैंने टैरिफ ड्यूटी लोअर रेट पर है, डंपिंग ड्यूटी लोअर रेट पर है, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक है, और उसके बाद फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी. अब मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि क्लोज और ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कैसे आया. तो मैंने आपको बताया था कि 1947 में अपन जब इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, तो हमने कहा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने पहले ओपन करा था तो ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं ये आई ट्रेड करने, और ट्रेड करते करते इन्होंने पॉलिटिकली स्लेव बना दिया, और स्लेव बना के हमें, आप देखेंगे, हम पर राज किया, रूल किया और हमारा एक्सप्लोटेशन किया. तो हमने क्या किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी इकोनॉमी को हमने क्लोज कर दिया. कैसे क्लोज किया जी? तो टैरिफ ड्यूटी ये किसके लिए होता है? फॉर ट्रेड, व्यापार जब हम करते हैं किसी कंट्री के साथ तो उसके लिए टैरिफ ड्यूटी पे करते हैं. डंपिंग ड्यूटी होता है फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी देश में निवेश करते हैं तो उसमें हम डंपिंग ड्यूटी पे करते हैं. उसके बाद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब लाइसेंस सिस्टम, मल्टी विंडोज हमने बना दिए ताकि जल्दी किसी को परमिशन ही नहीं मिले, हर चीज के लाइसेंस मस्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लिमिटेड कर दिया या एक तरह से बैन कर दिया. तो जब ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री में होती है तो हम उस देश की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं. ठीक है, अब अपन ने भी 1947 से लेकर और टिल 1991 तक हमने कैमरा चेंज कर दिया, लाइट कैमरे क्या हुआ है? लोकेश क्या हुआ है? कैमरा तो वही है. नहीं, क्लियर नहीं, ब्लू आ रही है, साफ विजिबिलिटी क्लियर नहीं है. एक मिनट सही है, नहीं मैं समझ, इज दैट क्लियर? अब सही है नाउ? ओके मैम, ओके, सही है? नहीं, अब सही है ना? चलो ठीक है, ओके चलिए, हाँ अब सही है, अब विजिबिलिटी क्लियर है. ठीक है, आइए, तो यहां आप देखेंगे कि
तो ये क्लोज इकोनॉमी, तो 1947 से लेके और टिल 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज रही, मतलब बंद रही। अब आप देखेंगे कि बंद होने से क्या दिक्कत है। तो भाई अपन लोग एक डेवलपिंग कंट्री थे, मतलब जो रिसोर्सेज थे वो सब ले गए अंग्रेज, जब कुछ था नहीं अपने देश में तो जो रिसोर्सेज थे उसके अकॉर्डिंग हमने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन वो एनफ नहीं था क्योंकि हमारे देश के मोस्ट ऑफ द लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर थी, इंडस्ट्रीज के लिए फंड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए। तो जो फंड था उसके अकॉर्डिंग अपन ने डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। आपको मालूम होगा कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर थे तो उस समय वर्ल्ड बैंक के पास 22 टन सोना गिरवी रखा था, गोल्ड, जिससे हमें फंड मिले और उस पैसे से हम काम कर सके। फाइनली 1990 आते आते हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से पूरी तरह से डंप कर गई। अब हमारे देश में इन्फ्लेशन हाई लेवल पर है, महंगाई हाई लेवल पर है, सारी व्यवस्था जो है वो आप देखेंगे इंटरप्ट होने लगी। तो क्या करें भाई, अब पैसा कहाँ से जिससे इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके। तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स रह चुके हैं और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के हेड रह चुके हैं, जैसे IMF में भी काम किया है उन्होंने, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रह चुके हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, और आप देखेंगे वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि यार मनमोहन तुम तो इकोनॉमिक्स हो, कोई उपाय सुझाओ, इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ कि कैसे इकोनॉमी को हम पटरी पर लाए। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, दो टिकट बनवाइए वॉशिंगटन का। पीवी नरसिम्हा राव गुस्सा में हो गए, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, यह देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और तुम जाओगे वहां पर वॉशिंगटन। उन्होंने कहा कि अरे आप बनवाइए तो सही, दो टिकट बना और ये दोनों आप देखेंगे पहुंचे वॉशिंगटन, वहां पर वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक में क्योंकि IMF में काम किया है तो वहां के लोग जानते थे इनको, तो दरवाजा नॉक किया मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का, टक टक, कौन, मैं मनमोहन, आ जाओ। मनमोहन सिंह अंदर गए, बोला और मनमोहन कैसे आना हुआ यहाँ पर। उन्होंने कहा सब बस ऐसे मिलने आ गए थे, क्योंकि पहली बार कर्जा मांगते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ मांगते हैं और दूसरी बार कर्ज मांगते हैं तो राउंड राउंड घुमा के मांगते हैं, ठीक है। दोनों बैठे, बैठने के बाद उन्होंने कहा चाय कॉफी क्या पियोगे। उन्होंने कहा कुछ भी जो आप पिलाए। चाय कॉफी पीने के बाद मनमोहन सिंह इशारा कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की तरफ और पीवी नरसिम्हा राव इशारा कर रहे हैं मनमोहन सिंह की तरफ, आप बोलो आप बोलो। उनको मनमोहन सिंह ना मैं नहीं बोल रहा। फिर मैं तुम करते करते मनमोहन सिंह ने कहा सर एक काम था इसलिए आए थे। उन्होंने कहा बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा सर वो कुछ थोड़ा सा कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे इंडियंस तुम पैसे मांगने, मुझे पता था मनमोहन तुम पैसे के लिए आए हो, मुझे राउंड राउंड घुमा रहे हो। मनमोहन पैसा तो मिलेगा लेकिन उसे उसके बदले एक चीज खोलनी पड़ेगी। आए क्या खोलनी पड़ेगी महाराज क्या। उन्होंने कहा तुम्हें अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। अब मनमोहन सिंह घबरा गए, बाप रे बाप ये तो कह रहा है खोलने के लिए, वो भी इकोनॉमी खोलने के लिए। पीवी नरसिम्हा राव को बोला इधर आइए आइए इधर, तो खोपचे में आइए ना जल्दी। उधर गए खोपचे में तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो इकोनॉमी खोलने के लिए कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ, तुम इकोनॉमिक्स हो तुमको मेरे से ज्यादा मालूम है, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, खोलना ही पड़ेगा तभी काम होगा। उन्होंने कहा बाप अब तो खोलना ही पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को। और इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशन रखी और वो कंडीशन क्या रखी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हो तो हम आपको फंड रेज करेंगे और आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करो, नहीं तो फंड नहीं मिलेगा। हमारे पास कोई उपाय था नहीं अपनी इकोनॉमी को खोलने के बजाय, तो हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करनी पड़ी। तो 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए हैं, मतलब
आर्थिक सुधार, जो ड्रास्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, उसको हमने 1991 में अडॉप्ट किया। क्लियर? तो हमने क्या किया जी, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। कैसे? तो टैरिफ ड्यूटी को लोअर कर दिया ताकि कोई भी आए और हमारे साथ ट्रेड करे। डंपिंग ड्यूटी को हमने लोअर कर दिया, नॉमिनल चार्ज पे करें और खूब सारे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो चेन शुरू हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी बना ली अपनी और फ्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर दिया ताकि अधिक से अधिक ट्रेड हो। तो इस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को, ये जो बैरियर लगा रखे थे, ये बैरियर हमने 1991 में खत्म कर दिया और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। क्लियर? ओपन करने के साथ ही तीन नए कॉन्सेप्ट आए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। फर्स्ट एल, दूसरा पी और तीसरा जी, एल पी जी। ठीक है? एल से लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब है निजीकरण, और जी से मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ठीक है? तो ये तीन नए कॉन्सेप्ट आए और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी जो इकोनॉमी डंप कर गई थी वो धीरे धीरे ट्रैक पर आई और उसने मूव करना शुरू किया। तो अगर अपन लोग 1991 से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपना लिया होता तो शायद आज हम लोग कहीं और होते। हालांकि बाद में अपनाया हमने, उसके बाद भी हमने काफी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को एक लेवल तक पहुंचा है जो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की। ठीक है? आइए तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। अब कह रहे हैं रिफॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इसको हिंदी में बोलते हैं 1991 के सुधार। इस सुधार के माध्यम से हमारी देश की इकोनॉमी सुधरी। कैसे? तीन कॉन्सेप्ट आए बॉस इस रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। पहला एल, दूसरा पी और तीसरा जी। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? हिंदी में बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन में बोलते हैं निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी कहा जाता है इसको। क्लियर? आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है? इसमें क्या हुआ, लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट क्या, एंड ऑफ लाइसेंस, एंड ऑफ लाइसेंस सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में सिंगल विंडो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब सेज। ठीक है? और फॉर्मेशन ऑफ एपीजेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बोलते हैं इसको। ठीक है? ये हुआ इनके माध्यम से।
उसके बाद आज करते हैं निजीकरण, हिंदी में लिख देता हूं, लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की उदार नीतियां, सरकार की उदार नीति, इसका मतलब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त, लाइसेंस प्रणाली समाप्त, ठीक है। दूसरे को इसके इसमें क्या है, सिंगल एकल खिड़की, एकल खिड़की की व्यवस्था की गई। उसके बाद सेज, सेज की स्थापना। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ईपीजेड की स्थापना क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको लिख ले। निजीकरण, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, पीएसयूज, ठीक है। और इसका है द नेशनल इकोनॉमी, द नेशनल इकोनॉमी कन्वर्ट इन ट्रांसनेशनल हिंदी में लिखता हूं अभी मैं दोनों का। इसमें है कि सार्वजनिक उपक्रम का, सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेशीकरण, विनिवेशीकरण इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्र पारीय होना। कैसे, कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये अपनी इंडिया है और ये फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, यूएस, इन सबके साथ ट्रेड कर रहा है, ये हमारे साथ कर रहे हैं, हम इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब है, अभी समझाऊंगा क्या हुआ, क्लियर। आइए अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर कंट्री कितने भी नोट छाप सकते हैं क्या? नहीं नहीं एडमिन, हमें मिनिमम हम लोग 200 करोड़ रुपया आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास जमा करते हैं, जिसमें 185 करोड़ का गोल्ड और बाकी की फॉरेन करेंसी जमा करते हैं, फिर हमें उसी के रेशियो में नोट छापने का राइट मिलता है। हम ऐसे नोट नहीं छाप सकते, ऐसे छापते तो जिसके पास जितना ज्यादा पेपर होता है उसके पास उतना ही नोट होता है। तो कम से कम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमें 200 करोड़ रुपए जमा करने पड़ते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, तो ही हमें नोट छापने की परमिशन मिलती है, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी मैं समझाऊंगा आगे ये मुद्रास्फीति, ये दुनिया जहान क्या है, नोट कितना छापते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा। अभी उसका लोड नहीं लेना है आपको, पहले अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको तो समझ लो मेरे लालो। क्या समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे नोट क्यों करोगे, मैं इसका स्नैपशॉट दे रहा हूं, स्नैपशॉट ले लेना, ले लो स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ले लीजिए आपने लोग इसका एक बार, पहले स्नैपशॉट लीजिए फिर मैं इसको समझाता हूं। इसका स्नैपशॉट ले लिया था कल तुम लोगों ने, स्लाइड वन, सुदीप,
सुदीप तुम कल करंट वाली क्लास में थे क्या? हो गया? गणेश था सर, कोई गुरु भी कह के। नेक्स्ट, अगला स्लाइड। अच्छा लोकेश तुम ही थे, कह रहे थे कि इंग्लिश में है ना। मानसी भी थी। इसकी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी अभी मैनेजमेंट से, मैं बोल दूंगा तुम लोगों को दे देंगे। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा। पहले इसका आप ले लीजिए स्नैपशॉट, स्नैपशॉट लीजिए इसका। ले लिया? नेक्स्ट। नहीं मेरे लाल अरविंद, हर संडे को होगी, वो एक दिन नहीं होगी, सिर्फ संडे संडे को ही। हो गया ये? नहीं ये तो है। चलिए आइए राज सी जो। सर हमें लगे ये होगी कि हमारी आधे घंटे की छूट गई क्लास। अरे स्लाइड फोर सुदीप क्या करते हो यार, स्लाइड फोर नहीं है ना, स्लाइड फोर नहीं है, वो ब्लैंक है। अभी मैं समझा रहा हूं। बोलो आशीष क्या कह रहे हो, आशीष क्या कह रहे हैं भाई? सर प्लीज फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म? ईपीजेड। ईपीजेड अभी आऊंगा, मैं आ रहा हूं तो समझा रहा हूं, दोनों बताऊंगा। एसएजेड और ईपीजेड का मतलब दोनों, दोनों बताऊंगा मैं। अच्छा ग्रुप है क्या कोई? भाई अभी तक तो मुझे किसी ग्रुप की जानकारी नहीं है। जो इसमें दूसरे स्टूडेंट है, कोई ग्रुप बनाया है क्या जी? कल से स्टार्ट हुई है, संडे को, एवरी संडे को 8 o'clock शुरू होगी। ठीक है आइए अब थोड़ा अपने हाथों को, उंगलियों को विराम दीजिए और मेरी तरफ थोड़ा प्यार से देखिएगा, प्यार भरी निगाहों से। ठीक है, और मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। ठीक है, तो अब गणतंत्र दिवस के मौके पर अब आप लोग उसके नाम पर एक बार मेरी तरफ अपने हाथों को विराम देते हुए बिना कुछ लिखे मेरी तरफ एक बार देखिए। ठीक है, ताकि हम लोग इसको आगे समझ सके। ठीक है आइए, अब यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता दी कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने एक कंडीशन रखी और उसमें कहा कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं तो हम आपको फंड जरूर देंगे और जिससे आप अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके। उसके बदले वर्ल्ड बैंक ने तीन कॉन्सेप्ट दिए, एल पी और जी का। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसमें क्या है जी? तो इसमें कहा कि लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार अपनी नीतियों को उदार करे। कैसे? तो टैरिफ ड्यूटी को कम करे, डंपिंग ड्यूटी को कम करे, लाइसेंस सिस्टम समाप्त करे। ठीक है ठीक। उसके अलावा उसके बाद सिंगल विंडो बनाए ताकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो तुरंत इन्वेस्ट कर सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाए जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र ईपीजेड की स्थापना करें ताकि हम दूसरे देशों को अधिक से अधिक निर्यात करके मनी अर्न कर सके। तो कहा गया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आप अपनी पॉलिसी को लिबरल करते हैं तो आपके देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगा। कैसे? तो अभी हमने टैरिफ डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है जिससे कोई भी हमारे यहाँ ट्रेड नहीं करने आता है। जब ट्रेड नहीं करेगा, एक ही कंपनी होगी तो मोनोपोली होगी, मोनोपोली में घटिया सामान मिलेगा और प्राइस ज़्यादा लगेगी, कंपटीशन नहीं होगा, लोगों को नुकसान होगा। दूसरा कि अगर कोई
एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम डेवलपमेंट कर सकें, तो अगर और दूसरे से हम इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहते हैं कि कहीं हमें स्लेव ना बना लें, तो उस कंडीशन में आपके देश में पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसे कई तरह के आप देखेंगे फैक्टर्स जन्म ले लेंगे। तो कहा गया कि अगर आप बाहरी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को फ्री करते हैं, तो मास लेवल पर ट्रेड शुरू होगा। ट्रेड से क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन में लोगों को सस्ती दर पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होंगे तो यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके बाद टाउनशिप डेवलप होगी, हजारों तरह के लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इस तरह से आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्टअप होने लगेगी। तो उन्होंने क्या दिया जी, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के तहत उन्होंने टैरिफ और डंपिंग ड्यूटी को कम कर दिया, लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया, सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे जो नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकता है उन्हीं के लिए लाइसेंस मस्ट किया गया। कहा गया बाकी किसी कंपनी को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। तो लाइसेंस सिस्टम एबोलिश कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे सिंगल विंडो, पहले मल्टी विंडो था, लेबर डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद गवर्नमेंट, अलग अलग लोगों से अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब कहा कि आपको अलग अलग परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही विंडो बनेगा, सॉफ्ट विंडो, यहीं पर आप अपनी फाइल दीजिए, विद इन आवर, विद इन अ डेज आपको ये फाइल एक ही जगह से अप्रूव करके दे दी जाएगी और आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमने सिंगल विंडो बना दिया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। जैसे आप देखेंगे हर स्टेट के शहर के थोड़ा बाहर एक बहुत बड़ा लैंड एक्वायर किया गया है जहां मेन रोड से कनेक्टिविटी है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट में दी गई है, वाटर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर नियर बाई है, रॉ मटेरियल्स नियर बाई है, ऐसे एक इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाता है जिससे हमारे देश के जो आप देखेंगे इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस दिए गए हैं ताकि वो इन्वेस्ट करके मोर एंड मोर प्रोडक्शन करके बेचे इंटरनेट, मतलब देश के अंदर भी और देश से बाहर, और खूब सारी करेंसी अर्न करे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। ऐसे ही हमने आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज है वहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र बनाए। जैसे कई सारे गुड्स हैं जिसका हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे एक जोन बनाए जहां पर एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो और फेवरेबल कंडीशंस दिए गए इनको ताकि अधिक से अधिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके और अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी का फ्लो आपके देश में बढ़ेगा और उससे आपका देश और ज्यादा आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। तो हमने इस तरह की चीजें लिबरलाइजेशन के तहत की जिससे हमारी इकोनॉमी जो डंप हो गई थी वो अपने ट्रैक पर आई। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई है ये आपके कानों से होती हुई सीधे मस्तिष्क तक पहुंची है और जो आपके दिमाग में हार्ड डिस्क है वहां पर जाके थोड़ी सी हलचल मचा रही है। अरे मचा रही है कि नहीं, हाँ या ना, कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि नहीं या आई कि नहीं। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी मेरे मेरी जुबान से जो लफ्ज निकले हैं वो आपके कानों तक पहुंच के आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्लियर। चलिए ये तो हो गया सर लिबरलाइजेशन। अब आइए हम देखते हैं दूसरा, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं हम निजीकरण, निजीकरण बोलते हैं। आजकल सरकार बहुत सारी चीजों की निजीकरण कर रही है, गलत है या सही कौन बताएगा, मैं देखता हूं इसका जवाब कौन देता है तुम लोगों में सबसे पहले। अच्छा आशीष कह रहे हैं गलत है, लोकेश कह रहे हैं सही है, सुदीप कह रहे हैं सही है, सुशांत कह रहे हैं गलत है, आनंद कह रहे हैं सही है, मानसी कह रही है सही है, बरार कह रहे हैं गलत है, अरविंद कह रहे हैं सही है, राजश्री कह रही है गलत है, सवाई कह रहे गलत। यार तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया मुझे कि सही है कि गलत है। रवि कह रहे हैं सही है, परमेश्वर कह रहे हैं सही है, मतलब सही सभी लोग कह रहे हैं कि सही है, मतलब सभी लोग नहीं, मतलब 100 में
100 में 70% लोगों ने कहा कि सही है, 30% लोगों ने कहा गलत है, तो मैं किसकी बात मानूं? एडमिन हेमंत कह रहे हैं कि गलत है सर, एलके कह रहे हैं 70% वाला सही है। चलिए देखते हैं इसका फायदा क्या होता है, आइए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझिएगा, उसके बाद फिर इसको, इस पर आप डिसीजन लीजिएगा, खुद आप लोगों को डिसीजन लेना है कि ये सही है या गलत। मैं आपको इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पक्ष बताऊंगा, ठीक है? तो आप इसका आंसर दीजिएगा आप लोग खुद। कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, इसका मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेशीकरण करना। सार्वजनिक उपक्रम, इसको पीएसयू, पीएसयू को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम। जैसे आपने सुना होगा भेल, गेल, सेल, मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियां, सुना है ना? भेल, गेल, सेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ऐसी कोल, ओएनजीसी, ये सारी कंपनियां आप देखेंगे जो है वो पीएसयूज हैं, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब सरकार इन पर कंट्रोल करती है और सरकार की पॉलिसी के माध्यम से ये कंपनियां रन होती हैं, ठीक है? अब यहां पर कहानी ये है कि आपको मालूम होगा कि 1991 से पहले हमारे देश में हर चीज का एक फिक्स ब्रांड था। क्या था जी? तो जूते में बाटा, कपड़े में मफतलाल, साइकिल में एटलस, रेडियो में, कौन सी रेडियो थी उस समय बजती थी, रेडियो का नाम भी याद आ रहा है, उसके बाद मोटरसाइकिल में राजदूत, और स्कूटर में हमारा बजाज, साबुन में निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध की सफेदी निर्मा से लाए, सुना है ना? उसके बाद आप देखेंगे वो टूथपेस्ट में कोलगेट और डाबर लाल दत्त मंजन, कीरे राजू, तीनों दांत मोती जैसे क्यों चमकुन छा? तो राजू कहता है कीरे मास्टर जी, मैं डाबर को लाल दत्त मंजन जो पेश कर छा, ठीक है? ये हर चीज का एक फिक्स ब्रांड था भाई साहब, इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं थी। और घड़ी में टाइटन, और एक और घड़ी थी भाई एचएमटी, एग्जैक्टली एचएमटी, बाद में आया टाइटन, ठीक है? तो आप देखेंगे उजाला, झारबूंद वाला, बिल्कुल। तो कहने के लिए मतलब सब चीज फिक्स था और इनकी मोनोपोली थी उस फील्ड में। आप सोचो उस जमाने में इतनी महंगी चीजें हुआ करती थी, ब्रांड कपड़े तो अपन सोच ही नहीं सकते थे, और कोई बड़ी चीज लेने की मतलब इतना मुश्किल होता था लेना, अजंता के चप्पल आते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड है और जिनका बनियान में कोठारी थी, ठीक है? तो हर चीज का फिक्स ब्रांड था, उसके अलावा ऑप्शन नहीं थे। जूता खरीदने गए तो फिक्स ब्रांड है, कपड़ा खरीदने गए फिक्स ब्रांड है, साबुन खरीदने गए फिक्स ब्रांड है, और जो कोई भी चीज, वही आज देखिए आज जूता खरीदने गए 50 तरह के ब्रांड आपको दे देगा कि ये कंपनी, स्पोर्ट्स शू लेना है, फॉर्मल लेना है, कैजुअल लेना है, जो अलग अलग 50 ब्रांड, कपड़े में अनगिनत, कोई भी चीज, पेन का कह लो, हर चीज का। अच्छा पेन का भी फिक्स ब्रांड था, तुम लोगों को मालूम होगा, ठीक है? तो कहा गया कि फिक्स जब ब्रांड होता है और कंपनी अकेले होती है तो उसकी होती है मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब अधिकार, एक अधिकार, मतलब मार्केट में जब सेलर एक हो और बायर्स बहुत सारे हो तो उस मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। और ऐसा मार्केट किसी भी कंडीशन में किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी प्राइस डिसाइड करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग गुड्स की सप्लाई करता है, ठीक है? तो उस समय मोनोपोली मार्केट थी और आप देखेंगे घटिया सामान बनता था और हाई प्राइस पर बिकता था, ठीक है? दूसरा कि आप देखेंगे जो भी सरकारी
इन पीएसयूज में काम करते थे वो सब मनमर्जी काम करते थे, अपनी टाइम से जाना अपनी टाइम से आना, कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। आज भी देख लो, हालांकि अब थोड़ी व्यवस्था सुधरी है, आज भी आप देख लीजिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, आज बीएसएनएल की दशा क्यों खराब हुई है, आज एयर इंडिया की दशा क्यों खराब हुई है, क्योंकि वक्त के साथ इसके मैकेनिज्म को नहीं बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी नहीं अपडेट की गई और मार्केट के साथ ये तालमेल नहीं बिठा पाया। और दूसरा, इसके एम्प्लॉयज जो है एक बार नौकरी लगने के बाद फिर अपनी मनमर्जी समझते हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कहा गया कि ऐसे जितने पीएसयूज हैं जो घाटे पर चल रहे हैं, जो जिनका आउटपुट प्रॉपर नहीं है, उनको रख के क्या करेगी गवर्नमेंट, रखेगी तो इंप्लॉयज को और पैसा देना पड़ेगा खजाने से निकाल के, और कंपनी का आउटपुट जीरो है तो उस कंडीशन में इसको इस लॉस का बिजनेस क्यों करना भाई। तो उन सभी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मतलब दूसरी कंपनियों को बेच दिया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो जब कोई भी सरकारी पीएसयू जब किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाता है तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, लेके आती तो उतारेगा नहीं, सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है, उसके बाद जो जो ड्रॉबैक है उनको दूर करता है, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय ले आता है और उनको टाइमली प्रॉपर मैनेज किया करता है और उनको आगे प्रमोट करता है, तो क्या करती है कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा जी, या आप सोचेंगे कि इतने लाख लोग बेरोजगार हो गए, जब प्राइवेट कंपनी मिलेगी तो जो कंपनी बंद होती हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट होगी तो उन सबको रोजगार मिलेगा। दूसरा कि गवर्नमेंट ने इसमें लाखों करोड़ों रुपया फंड फंसा हुआ था, अब कंपनी बेचेगी तो उससे फंड आएगा, उस पैसे से गवर्नमेंट दूसरे डेवलपमेंट का काम करेगी, तो एक तो फंड भी निकल गया, दूसरा एम्प्लॉय को जॉब भी मिला, और फिर ये कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगी, तो मल्टीपल बेनिफिट हुआ इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने से, इस कंपनी को बेचने से। जैसे आज आप देखेंगे कई जगह रेल्स को हमने का प्राइवेटाइजेशन किया है, प्राइवेट ट्रेनें चलाई है, पहले हम लोग रोते रहते थे कि ट्रेन घाटे पे जा रही है घाटे पे जा रही है, अभी आप देखिए जो ट्रेन चली है वो प्रॉफिटेबल है, उसके अलावा आपको सर्विसेज एकदम फर्स्ट क्लास के मिल गई, सीटिंग अरेंजमेंट खान पान उसके अंदर सारी चीजें टॉप क्लास की। तो जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है तो चीजें महंगी तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज है वो भी अपग्रेड हो जाती है, और वो हम सभी के लिए, भाई टाइम से ट्रेन चले, टाइम से आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, टिकट आपका टाइम से बन जाए, आराम से आप सही तरीके से सेफली अपने घर पहुंच जाए, इससे बेहतर क्या चाहिए भाई, थोड़ा सा पैसा देके बेहतर फैसिलिटी मिले तो उसमें दिक्कत क्या है। हम क्यों सोचे लालू यादव की तरह कि भाई साहब पहले एक दो बीच में एक और उसने सीट लगा दी जिसमें आदमी ठीक से बैठ नहीं सकता था, ऐसे मुंडी झुका के आप सफर करेंगे और बोला कि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका क्या फायदा, जिससे आप जर्नी में आपको कष्ट हो, शरीर को कष्ट हो और आप हैप्पीली और सेफ जर्नी नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह की ये सारी चीजें हमने, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस समय, ऐसे जितने पीएसयूज थे जो घाटे पर चल रहे थे लॉस में थे उन सभी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, उसमें रुका हुआ फंड वापस आया, जो एम्प्लॉय निकल गए थे उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट मिला, कंपनी रन होने लगी तो टैक्स पे किया, कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाया तो उससे हजारों तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, तो इससे हमें बेनिफिट मिला। ये है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ क्या, पीएसयूज। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई, हालो केस बिल्कुल, फीमेल अटेंडेंट भी है जो आपसे सॉफ्टली बात करती है, रूड बात नहीं करती। पहले आप देखिए रेलवे में आप जाते थे और वो जो वहाँ पर इंक्वायरी में एक बात पूछी तो गुस्सा हो गया, दूसरी बात पूछने नहीं दिया, भगा देता था या मारते थे लोग, डंडा लेके बजाते थे। आज आपको सारी सुविधा एकदम मस्त बैठे हुए घर पे मिल रही है, और वहाँ गए तो बहुत प्यार से आपसे कहा जाता है कि सर ये ट्रेन इस समय है ऐसे है, और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, हाँ पिन पिन आ जाता था बिल्कुल, ये समझ में आ गया सबको। अरे ये क्या हो गया, ठीक है क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया सबको, प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया सबको,
क्लियर। तो हालांकि इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, लेकिन अगर हम अब उस ड्रॉबैक की वजह से रुके तो फिर हम लोग आज नहीं बाबा आदम के जमाने में जीते रहेंगे। भाई याद करो उस जमाने को, आज से 10 साल पहले तुम्हारे होश की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, गांव में एक लैंडलाइन हुआ करता था, फोन आता था दौड़ के जाते थे हफ्ते हफ्ते, और वो भाई साहब वहाँ फोन उठाते थे और बोलते थे एकदम वहाँ जैसे मीटर डाउन किया तो चलने लगता था, हेलो पैसा भेज दिया जल्दी उठा रहा फोन रख दिया, तब तक उनके 50 रुपये का बिल बन गया। उसके बाद अगर किसी के घर में लैंडलाइन होता था तो कॉमन एरिया में होता था, ठीक है, और मान लीजिए किसी का पर्सनल फोन आ गया खास आदमी का, तो क्या करता था धीरे धीरे मुंह लगा के बोलता था हेलो हेलो रात में फोन करना, रात में आराम से बात करेंगे, और वो सोचता था कि काश ये लैंडलाइन मेरे कमरे में होता तो आराम से तकिया के नीचे दबा के मैं खूब बात करता, जी भर के करता, मन करता था उस समय जब लैंडलाइन था। जब पहली बार वो आया कॉर्डलेस फोन तो खुशी का ठिकाना नहीं कि बाप रे बाप कहीं ले जाके बात करेंगे, बिना तार का है कहीं भी ले जाके बात करो। और जब पहली बार मोबाइल फोन आया भाई साहब पहली बार, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं, बाप रे बाप बिना कहीं भी जेब में रख लो, खेत खलिहान में जाओ, छत में खोपचे में जाके बात करो आराम से। उस समय तो ये होता था कि जब नया वाला इतना बड़ा नोकिया का मोबाइल आया था हाथ में लोग लेके ऐसे चलते थे, और उस समय जो इनकमिंग कॉल आते थे उसके भी पैसे लगते थे। जब अगर मान लो किसी का फोन नहीं भी आता था तो लोग अपने को दिखाने के लिए झूठ मूठ के रिंगटोन बजा देते थे, और उस समय के रिंगटोन भी ऐसे आते थे इस तरह के रिंगटोन आते थे, अब तो किसी की रिंगटोन ही नहीं बजती, और आप देखेंगे हेलो उठा के एकदम बात करते थे। फिर आज देखो आज स्थिति हो गई है, आज अभी भी मुझे याद है कि अभी 2-3 साल पहले मोबाइल में बैलेंस 10 रुपये का कूपन ले आके भरवाते थे, अब मिस कॉल खेलते थे, पैसा नहीं होता था, ठीक है, मिस कॉल मारते थे 4-5 बार की उधर से कॉल आ जाए। अब देखो जब से जियो आया जियो धन धना धन सब खत्म भाई साहब, फोन के लिमिटेशन खत्म, इंटरनेट के, पहले इंटरनेट बाप रे बाप 100-200 रुपये में 100 MB मिलता था, जैसे इंटरनेट खोले कि खाने लगाओ तुरंत बंद कर दे, बंद कर जल्दी काटा 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 काटा, ठीक है। तो आज अब देखिए अनलिमिटेड नेट हो गया, अनलिमिटेड फोन, आज तो स्थिति हो गई कि फोन से बात करने का मन नहीं करता लोगों को, क्यों भाई इरिटेट हो जाए फोन है हटा यार क्या बात कर रहे दिमाग खराब कर दे, फोन से बात करने का मन नहीं करता, क्यों फ्री है अब उसकी इज्जत ही नहीं। अब तो भाई फोन से बात नहीं होता है, सीधे किसने लगा वीडियो कॉलिंग चैट करते हैं, हेलो बढ़िया लग रहा है, आराम से बेड पर लेटे हुए तकिए के साथ पूरा आराम से आप देखेंगे आराम से एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा अच्छा ये गालों पर तिल निकल गया है आज नहाया नहीं है तुमने, ऐसे बोलते हैं अपन सब कुछ, मतलब कितना आसान हो गया, कितनी आसान हो गई हमारी लाइफ आप देखिए। तो ये कैसे हुआ इन चीजों से, समझ में आ रही बात, अच्छा साथ में खंभा भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो किसी भी चीज का ड्रॉबैक भी होता है, तो हमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस वे में लेते हैं। अब अगर भाई छोड़ो मैं क्या बोलूं, प्राइवेटाइजेशन से कॉस्ट भी इंक्रीज होगी ना, बिल्कुल श्रीवास्तव कॉस्ट इंक्रीज होगी, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन ये है कि उसके बेनिफिट्स तो आपको मिल रहे हैं ना, बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, कॉस्ट इंक्रीज होगी लेकिन आपको बेहतर सुविधा मिले। चलो एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो तुमको 3G इंटरनेट दिया, कितने में, 100 रुपये में, 100 रुपये में तुमको 3G इंटरनेट दे दिया, और तुम मेरे से क्लास ले रहे हो, तुम्हारा इंटरनेट रुक रुक के चल रहा है, तुम क्या कहोगे, कहोगे कि काम कर भाई 200 रुपया और ले ले, लेकिन एकदम स्मूथ चलना चाहिए, ऐसा लगे कि सर मेरे सामने खड़े पड़ा रहे, क्या चाहिए, 100 रुपये वाला 300 रुपये वाला, ऑब्वियसली कहोगे कि सर मुझे 300 रुपये वाला चाहिए, ठीक है, ताकि एक मिनट रुकना,
ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, क्लियर हो गया। ऐसे क्या है ना इन लिबरलाइजेशन में, क्या लिखा है आनंद ने, सर लाइसेंस को एंड तो नहीं किया, लाइसेंस इजी किया है, नहीं आनंद, पहले क्या था कि आपको हर चीज के लिए लाइसेंस लेना होता था, मामूली चीजों के लिए भी, क्यों, हमने उसको रोक रखा था, हमें अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था। अब लाइसेंस जो है, मतलब बड़े लाइसेंस जिसका जो मस्ट है, वो अब सिर्फ हमारी नेशनल सिक्योरिटी वाली जो चीजें है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़े, बाकी ये जो छोटी छोटी बिजनेस है इसके लिए मामूली लाइसेंस लेना पड़ता है, वो आप अपने लोकल अथॉरिटी से जाके ले लेते हैं। बड़े लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको फ्री कर दिया कि मान लो कोई छोटा व्यापार करना चाहता है, भाई पान की दुकान खोलनी है आपको या कोई कपड़े की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान खोली और चलाई, पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो मीटर नापते हैं उसका भी लाइसेंस, हर एक चीज का लाइसेंस होता था। तो अब उन सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे वो खत्म कर दिए, जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, अधिक से अधिक ट्रेड हो, बिजनेस स्टार्ट हो, ताकि लोग, आप देखेंगे लोग अधिक से अधिक, आप देखेंगे मूवेबल हो सके, ठीक है। ये है, क्लियर हो गया, ये प्राइवेटाइजेशन क्लियर हो गया सबका, हो गया भाई सबका, क्लियर हो गया सबका। चलिए अब हम लोग, भाई देखो वक्त के साथ हर एक चीज की डिमांड होती है, और अगर अभी भी अगर हम नहीं है तो अभी हम 100 साल पीछे चले जाएंगे, तो आज जरूरत है कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन करने की, क्योंकि तभी हम उसको, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं कि वो उस सेक्टर को प्रॉपर रन कर पाए। आपको मालूम है हमारे देश में मात्र 14% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, मात्र 14%। एक सर्वे कराया गया कि भाई क्या हमारे देश में 14% लोग ही है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस सर्वे में पता चला कि हमारे देश के 60% से ऊपर ऐसे लोग हैं जो हर साल 10 लाख से महंगी कार खरीदते हैं, और उसमें टैक्स देने वालों की संख्या कितनी है, मात्र 12 से 14%। अब ये तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस देश में डेवलपमेंट होगा, भाई गवर्नमेंट के पास फंड कहां से, हम जो टैक्स पे करते हैं वही गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगी। उसके बाद करप्शन और है, आप देखिए फॉरेन में इतना डेवलपमेंट कैसे है, क्योंकि वहां का हर आदमी ऑनेस्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, जिससे गवर्नमेंट के पास खूब सारा रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू से चाहे वो सोशल वेलफेयर की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज डेवलप करने की बात हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो डिफेंस के डेवलपमेंट की बात हो, वो सारी चीजें करती है। आज अमेरिका डिफेंस में नंबर 1 पोजीशन पर क्यों है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि रिसर्च और दूसरे इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट पर वो खर्च कर सकता है, और हमारे पास नहीं है। एक तो भाई साहब आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जनसंख्या विस्फोट हो गया है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। अब इस एक्सप्लोजन में क्या हुआ है, 2 से 4, 4 से 14, 14 से 28, 28 से 56, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आज भाई साहब, पहले नारा था हम दो हमारे दो, आज नारा है हम दो हमारे अनेक। तो उस कंडीशन में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे तो पहले जरूरी है भाई साहब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि उस जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और इस पर बर्डन जो है पॉपुलेशन का वो बढ़ता जा रहा है, और अगर इस विस्फोट को नहीं रोका, अभी एक नंबर में चाइना है और अपन 2 नंबर में, अगला जो सेंसस होगा उस सेंसस में, कब, 2011 में हुआ तब, 21 में होगा, इस सेंसस में देखना अपन लोग नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए होंगे, वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री, 2 नंबर में चाइना आएगा। इसी चीज में हम लोग 1 नंबर है, मास्टर है भाई साहब इसमें दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हम इंडियंस को रोक सके, बाकी चीजों में हम लोग पीछे रहते हैं। समझ में आई बात,
आइए अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन पर, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण की बात करते हैं। देश द नेशनल, द नेशनल इकोनॉमी कन्वर्ट इन ट्रांसनेशनल, इसका मतलब क्या है? नेशनल इकोनॉमी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपार्य होना, इसका मतलब क्या है? आइए इसको हम लोग समझते हैं। भाई ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, और पहले हम लोग इसी के अंदर ट्रेड करते थे, सब कुछ करते थे। अब हमने क्या किया, यूएस के साथ, इंग्लैंड के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, इन सभी कंट्री से अभी हमारे इन्वेस्ट करते हैं, हम इनके यहां करते हैं, ठीक है। तो क्या ये नेशनल इकोनॉमी अब ट्रांसनेशनल नहीं हो गई? इससे क्या बेनिफिट होगा? तो पहले हम घरेलू डोमेस्टिक आप देखेंगे चीजों को सेल और परचेस करते थे, अब हम मोर एंड मोर गुड्स बनाएंगे, फॉरेन कंट्री को बेचेंगे, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे तो अधिक से अधिक फॉरेन करेंसी हमारे देश आएगी, अधिक एक्सपोर्ट करने के लिए अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, अधिक फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छा घर लेंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, और साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेंगे। तो क्या इससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा? होगा कि नहीं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। भाई अगर आज मान लीजिए हमारे देश में खूब सारी इंडस्ट्रीज आ जाए, इन्वेस्टमेंट हो और सभी लोगों को प्रॉपर रोजगार मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो जैसे ही सैलरी अच्छी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाता है, फिर हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छा करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो यहां पर हमने नेशनल इकोनॉमी को ट्रांसनेशनल कर दिया। सबसे पहले हॉस्पिटल एंड स्कूल के प्राइवेट करना चाहिए इंडिया में, बिल्कुल। तो अभी इन सेक्टर्स में इसलिए नहीं किया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी नहीं, मतलब आज भी हमारे देश में 55% ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो अगर हमने इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो फिर जो गरीब लोग हैं उनको शायद वो सेवाएं नहीं मिल पाएंगी उन हॉस्पिटल्स में, इसीलिए अभी तक हमने उसका नहीं किया है। प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट, मतलब पीपीपी मॉडल पर काम करने का, क्योंकि कई जगह जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो प्रॉफिट मोटिव होती हैं, तो अगर हमने इन सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो जो दूसरे लोग हैं उनका वेलफेयर नहीं हो पाएगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, इसलिए अभी हम इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। अभी ये जो सेक्टर्स हैं वो पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं ताकि प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली ना हो। क्लियर? मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन ही है, अगर वो खत्म हो जाए या रुक जाए तो फिर अपन लोग स्टेबल हो सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को बहुत जल्दी बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत बर्डन बनता जा रहा है। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, पानी, मिनरल्स, लैंड, एयर, सब कुछ लिमिटेड है। अब उस पर जैसे मान लो एग्जाम्पल है, अभी चार रूम का कमरा घर है तुम्हारे पास, पहले तीन भाई थे, मम्मी पापा चारों कमरे में आराम से रहते थे, अब तीन भाइयों की शादी हो गई, तीन भाइयों के बच्चे हो गए, कमाने वाले कौन? पापा। तो पहले एक की कमाई में चार लोग खाते थे, अब एक की कमाई में कितने खा रहे हैं? 12 लोग। तो क्या सबको सब कुछ अच्छे से मिलेगा? नहीं। अगर ये चार ही लोग होते या चार से आठ लोग भी होते तब भी डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो पाता, समझ में आ रही बात? तो ये दिक्कत है। ये मुझे उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स ऑफ 1991 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, बिना जॉब के आजकल तो जानते ही हो, उम्र हुई तो कुछ भी प्राइवेट काम करना शुरू किया, दो चार 10,000 भी कमा रहा है, शादी करवाओ शादी करवाओ, शादी करवा देते हैं और शादी के बाद आप जानते ही हैं जो होना है वो ही जाता है, बाल बच्चे, वो बर्डन बढ़ गया, और फिर एक पर कंट्रोल नहीं करते, होने दो, कहते क्या। अब एग्जाम्पल बता दो, मेरे यहाँ एक महिला है, उनके 12 बच्चे हैं और वो भी हर साल के सिक्वेंस वाइज, जब वो चलते हैं तो रेल का डब्बा बना के चलते हैं। एक दिन मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा,
बाहर गांव गया था तो वहां मैंने पूछा कि ये सारे बच्चे आप ही गए क्या? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ये बताओ आपके पति दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं और हैं आपके 12 बच्चे, क्या इनका खाना पीना सही से हो जाता है? इतना बढ़िया था, एक बेटा और एक बेटी दो लड़ते, जानते हो उसने क्या काम उससे आपका क्या जाता है? ऊपर वाला भेज रहा है तो खाना भी देगा, ये लो। ये तो सोच है हमारे देश में लोगों की कि ऊपर वाला दे रहा है, लेते जाओ भाई लेते जाओ। ये है हमारे देश में गांव के लोगों की मानसिकता कि वो सोचते हैं कि ऊपर वाला दे रहा है तो वही मुंह दिया है तो खाना भी देगा। अब उस कंडीशन में जनसंख्या नियंत्रण होगी क्या? ऐसी है लोगों की सोच। तो यहां पर ये भी नहीं है कि एक पैदा करके और बेटी हो गई तो ना बेटा चाहिए, एक बेटा हो गया तो एक बेटा बेटा नहीं होता, एक और पैदा करो दो, ऐसे करते करते कितने लोग के 4-5 लड़कियां हो गई बेटे के चक्कर में। पूरे भारत में हर जगह होता है ये, बेटी से बात नहीं बनती, एक बेटा भी चाहिए और उस बेटे के चक्कर में 4 बेटियां हो गई या 3 बेटियां हो गई और फिर मामला ऐसे ही बढ़ जाता है। तो ये परंपरा पूरे भारत में है, हर जगह इस तरह की सोच है लोगों की, किसी एक स्टेट में नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? हाँ ओके, सही बात है, यही बात है। चलिए ये तो हो गया रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के सुधार हमने देख लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है भाई, दूसरा टॉपिक, इसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि योजना आयोग के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। योजना आयोग, ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट्स इसकी। प्लानिंग कमीशन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, वॉज इन 15th of March 1950। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज प्राइम मिनिस्टर, योजना, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री वॉज बीन होते थे। फर्स्ट वाइस चेयरमैन
ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज मोंटेक सिंह आहुल वालिया। तात्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहुल वालिया थे। उसके बाद देयर वन फाइव फुल टाइम members in planning commission। योजना आयोग में पांच पूर्णकालिक सदस्य थे। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज सिंधु श्री खुल्लर। तात्कालीन सीईओ तात्कालीन योजना आयोग के तात्कालीन सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज वर मेंबर ऑफ वर स्टैच्यूटरी मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के
उपराज्यपाल इसके वैधानिक सदस्य थे। प्लानिंग कमीशन was dissolved in 2014। योजना आयोग को दो हजार चौदह में समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नई संस्था फॉर्म की गई जिसका नाम था नीति आयोग। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन और आई से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसका नाम है। आइए देखते हैं ये क्या है। इट वॉज नीति आयोग, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग इज इन फर्स्ट जैन 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई या 2015 में हुई। इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज टू बी प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, देयर इज अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
सॉरी वाइस चेयरमैन फॉर नीति आयोग, नीति आयोग के लिए, नीति आयोग के लिए एक उपाध्यक्ष का पद, एक उपाध्यक्ष का पद है। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर फाइव फुल टाइम मेंबर इन, देयर आर फाइव फुल टाइम मेंबर्स इन इन नीति आयोग। अभी चार ही लोग अपॉइंट हैं, एक आदमी अपॉइंट नहीं। कौन कौन से? पहला पहला है रमेश चंद्रा, रमेश चंद्र। दूसरा वीके पॉल। तीसरा विवेक देवराय, देवराय रमेश। और चौथे हैं आपके वीके पॉल हो गया, विवेक देवराय हो गया, और वीके सारस्वत, वीके सारस्वत। ये हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ये हैं न्यूटोलॉजिस्ट, न्यूटोलॉजिस्ट। ये हैं इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट। और ये हैं एक्स चीफ ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग वॉज सिंधु श्री खुल्लर। फर्स्ट थे, बट नाउ सीईओ ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। लेकिन अभी
अभी नीति आयोग के सीईओ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ठीक है। उसके बाद ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज आर स्टैट्यूटरी मेंबर ऑफ नीति आयोग। फिर सभी राज्यों के मुख्य मंत्री तथा केंद्र शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके वैधानिक सदस्य होते हैं। ठीक है, नीति आयोग इज कॉल्ड थिंक टैंक। नीति आयोग को नीति आयोग को बौद्धिक संस्थान कहा जाता है। ठीक है सर, केंद्र सहित प्रदेश है क्या? केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी इसके मेंबर हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आ गई बात समझ में? सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लिखा तो है मैंने। चलो पहले एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो सब, फटाफट आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर अपन इसको समझते हैं कि ये क्या है। चलिए लीजिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी मैं समझाता हूं गवर्नमेंट इसका मतलब क्या होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या गवर्नमेंट बॉडी या क्या बॉडी, अभी समझाऊंगा मैं सारी चीजें। ठीक है, हो गया डन, नेक्स्ट। नेक्स्ट डन, नेक्स्ट डन, हो गया नेक्स्ट डन, हो गया नेक्स्ट
डन. नेक्स्ट. डन. डन. टेन डन हो गया. इलेवन. इलेवन डन. ट्वेल्व. डन. थर्टीन. डन. फोर्टीन. डन. सबका हो गया जी. लोकेश के अलावा बाकी लोगों का भी हो गया. किसी ने कुछ कमेंट्स नहीं किए हैं. क्या समझूं मैं? हो गया. रवि कुमार कह रहे हो गया सर. आशीष कह रहे हैं सबका हो गया. आइए अब हम लोग इसको समझने की चेष्टा करते हैं, या एक तरह से कहें तो समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अरविंद कह रहे हैं सिक्स और सेवन. अरे यार लो सिक्स लो लो जल्दी अरविंद. हो गया. सेवन लो. ले लिया सेवन. डन. आइए आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है. मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं, फिर इसके बाद अपन शुरू करते हैं रामलाल की कहानी. चलिए. प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग क्या है ये और इसके बारे में क्या डेवलपमेंट्स है, आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं. एक मिनट. चलिए. आप जानते हैं 1947 में अपना देश आजाद हुआ, मतलब अपन लोग इंडिपेंडेंट हुए. आजादी के बाद कहा कि यार कैसे डेवलपमेंट किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे देश की मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन, मतलब 70% पॉपुलेशन इट्स डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर हमारे देश में इट्स डिपेंड ऑन मॉनसून, और मॉनसून आप जानते हैं इरेगुलर आती है. मॉनसून आई बारिश अच्छी हुई फसल अच्छी हुई, मॉनसून नहीं आई बारिश नहीं हुई फसल नहीं हुई, उस साल लोग अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गया, भुखमरी आ गई. आजादी के बाद कुछ बचा तो था नहीं, सब अंग्रेज लेके चले गए अपने देश से. अब क्या करें भाई, तो कैसे डेवलपमेंट किया जाए इसके लिए हमने एक जुगाड़ शुरू किया. जुगाड़ का मतलब हमने कुछ इकोनॉमिस्टों ने कहा कि एक काम करो, एक दो साल का प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके थ्रू डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो हमने एक दो साल का प्लान बनाया और उसके थ्रू डेवलपमेंट करने की कोशिश की. लेकिन भाई साहब इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, और क्या आप एक दो साल में डेवलपमेंट कर पाएंगे इन सभी क्षेत्रों में, संभव नहीं था और डेवलपमेंट हुआ भी नहीं. अब क्या करें भाई. तो उस समय रशिया रूस है जो है वो 5 ईयर प्लान बना के और खूब डेवलपमेंट कर रहा था. रशिया कैसे भाई, तो 5 साल का प्लान फॉर्म करना, इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इरिगेशन डिफेंस उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे, इन सब को कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करके इस पे एक्सपेंडिचर किया गया और 5 साल में इन टारगेट्स को पूरा किया जाता था. तो रशिया 5 ईयर प्लान के थ्रू खूब डेवलपमेंट कर रहा था अपने देश का.
तो अपन ने कहा यार रसिया कर रहा है, क्यों ना अपन लोग रसिया से ही ये 5 ईयर प्लान अडॉप्ट कर ले, और अडॉप्ट करके जैसे रसिया कर रहा है वैसे ही अपन भी करें, क्योंकि आप जानते हैं अपन लोग कॉपी करने में मास्टर है। हमारा टैलेंट क्या है हम ये नहीं देखते, बस जो अच्छी लगी वहां से कॉपी कर लेते हैं। मतलब संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉपी करी, और जो जो चीजें मिलती है कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमने 5 ईयर प्लान क्या कर लिया, कॉपी कर ली, किससे, रसिया से। अब कॉपी तो कर ली भाई साहब, अब ये 5 ईयर प्लान बनाएगा कौन, इंप्लीमेंट कौन करेगा, और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये एक समस्या खड़ी हुई अपने सामने कि अब क्या किया जाए। तो आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट था, कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर एक कमीशन फॉर्म किया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। मतलब मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। ठीक है, तो कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर इसे एस्टैब्लिश किया गया बॉस, ये ध्यान रखिएगा, कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर। क्लियर, बिल्कुल मेरे लाल। अच्छा मोनिका, बिल्कुल हमारे देश के मैगजीन्स, पेपर, पत्रिका वाले, टीवी जर्नलिस्टों ने ये वर्ड ईजाद किया था। चलो अभी उसकी बात नहीं करें। तो आप देखेंगे कि कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर एक संस्था फॉर्म की गई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। कहा गया कि यही संस्था प्लान फॉर्म करेगी, और यही संस्था आप देखेंगे प्लान के रिगार्डिंग मॉनिटरिंग करेगी और इसको मैनेज करेगी। ठीक है, अब हमने प्लानिंग कमीशन फॉर्म तो कर दिया, अब कहा गया कि इसका चेयरमैन कौन हो गया भाई, चौन कौन होगा जो इसको आगे बढ़ाएगा और इसको लीड करेगा। तो कहा गया कि भाई देश का रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही, उसके अंडर गाइडेंस में ही सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन 15 मार्च 1950 को किया गया। ठीक है, और यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का बॉडी का मतलब यह है कि इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट या आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है, कहीं भी संविधान के किसी भी भाग और किसी भी अनुच्छेद में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक अर्थात संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है ये बोलते हैं। समझ में आई बात, तो इसलिए इसे इट्स ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। क्लियर हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अब जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि कहा गया कि इसका चेयरमैन कौन होगा जी, तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का रियल हेड होता है और उसी के गाइडेंस में डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए, तो इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। फर्स्ट चेयरमैन कौन, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जवाहरलाल नेहरू। तब कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, देश का डेवलपमेंट भी करना है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी लेना है, सारा काम करना है, तो वो क्या प्लान फॉर्म करता रहेगा, तो नहीं। कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट करेगा जिसके डायरेक्शंस में, वाइस चेयरमैन के डायरेक्शंस में प्लान का फॉर्मेशन होगा और उसको मॉनिटर किया जाएगा। मतलब टू रन दी प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के संचालन के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया। तो जब पहली बार चुना गया, बना गया था, तो उस समय आप देखेंगे गुलजारी लाल नंदा को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और अध्यक्ष थे नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कंटेम्पररी वाइस चेयरमैन। कंटेम्पररी का मतलब जब इसे डिसॉल्व किया गया उस समय इसका चेयरमैन कौन था, 2014 की बात कर रहे हैं अपन, तो उस समय इसके चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी कंटेम्पररी चेयरमैन थे जब इसे डिसॉल्व किया गया। ठीक है, इसको
वाइस कंटेम्पररी वाइस चेयरमैन थे, नॉट चेयरमैन. चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, ठीक है. उसके बाद देयर वेयर 5 फुल टाइम मेंबर्स इन प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन में 5 पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया था जो पूरा टाइम अपना इसी के प्लान फॉर्मेशन और उसको मॉनिटरिंग के लिए टाइम देंगे, ठीक है. उसके बाद कंटेम्पररी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया था, कंटेम्पररी थे, सिंधु श्री खुल्लर जब इसको डिसॉल्व किया गया, ठीक है, तत्कालीन सीईओ थे. उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल इसके वैधानिक सदस्य होते हैं. अर्थात जब डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग फॉर्म प्लान फॉर्म किया जाता है तो उसमें इन सभी राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका रहना जरूरी होता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप देखेंगे डेटा कलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग प्लान फॉर्म किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है. तो सभी चीफ मिनिस्टर और उपराज्यपाल इसके वैधानिक सदस्य होते थे, ठीक है. इस कमीशन को 2014 में अगस्त 2014 में डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है. और इसकी जगह एक नई संस्था फॉर्म की गई जिसका नाम था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसकी जगह एक नई संस्था फॉर्म की गई नीति आयोग के रूप में. तो इसके पीछे कुछ कारण थे. क्या कारण थे? तो कहा गया कि भाई प्लानिंग कमीशन ने पहला प्लान फॉर्म किया था, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 में, 1951 से 1956 ये फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था, ठीक है. उसके बाद तब से लेकर आज तक 2017 तक 12 फाइव ईयर प्लान मतलब 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में बन चुकी हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन कभी भी अपन लोग डबल डिजिट में ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाए, मतलब 10% में डबल डिजिट इसको बोलते हैं. कैसे? इसके पीछे क्या हुआ? तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो यूएन के कॉन्फ्रेंस में, यूएन का एक एनुअल मीटिंग थी उसमें गए थे वो, वहां पर उन्होंने भाषण दिया और अपनी बगल में आके अपनी सीट पर बैठ गए. तब तक वहां पर इंग्लैंड का एक अंग्रेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बैठ के ऐसे उंगली करके उनको चिढ़ा रहा था. क्या? हिंदू ग्रोथ रेट उनकी तरफ कह रहा था. अब उनको मालूम था नहीं कि ये हिंदू ग्रोथ रेट होता क्या है. अब वो उनको लग रहा था कि ये मेरे को पिन कर रहा है, कुछ मेरे को चिढ़ा रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है. तो उन्होंने फोन किया उस समय अभी तो मर चुके हैं अरुण जेटली, वो इकोनॉमिक्स भी थे, मतलब इकोनॉमी की समझ थी उनको. उनसे पूछा भाई हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है. उन्होंने कहा क्या हुआ? तो ये बगल में एक अंग्रेज है मेरी तरफ उंगली कर रहा है, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि आप छोड़िए ना, क्या करना है. उन्होंने कहा नहीं बताइए ना. उन्होंने कहा कि वो चिढ़ा रहा है सर. तो चिढ़ाने का मतलब बोले हम लोग आज तक डबल डिजिट में ग्रोथ रेट कभी तक अचीव नहीं किया है और ये लोग 14-15% में इनका ग्रोथ रेट है 20% के नियर बाई. उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है. चुपचाप कॉन्फ्रेंस खत्म किया और इंडिया आए. इंडिया आने के बाद चुपचाप बैठे हुए थे. राजनाथ सिंह पहुंचे, क्या हुआ मोदी जी? उन्होंने कहा चुप रहो, रहिए, दिमाग मत खराब कीजिए, अब मैं मौत का फरिश्ता और कुत्ते की मौत देने वाला हूं. उन्होंने कहा क्या? तो कहा बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये है जनता की ललकार. उन्होंने कहा अब देखना मैं कैसे आतंक मचाता हूं. आतंक का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी, ठीक है. और भाई साहब क्या किया उन्होंने? कहा कि आज तक जब प्लानिंग कमीशन डबल डिजिट में ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाई है, इसका कारण क्या है? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए 100% कि अभी तक ये डबल डिजिट में ग्रोथ रेट क्यों नहीं अचीव कर पाए, जिससे वेस्टर्न कंट्री के लोग हम पर हंसते हैं. सारे प्लानिंग कमीशन के बंदे आए, उनसे पूछा गया, तो अलग अलग इकोनॉमिस्टों ने अलग अलग अपनी राय दी. क्या? कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि हम लोग प्लान इंप्लीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है कि
कि वो प्लान एक साल में तो आता है, शुरू होता है, दूसरे साल में काम शुरू होता है, तीसरे साल में सरकार बदल जाती है, फिर उसके प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं और वो फिर वही रह जाता है, एक इकोनॉमिक्स ने कहा। दूसरे ने कहा कि सर इतना बड़ा देश है कि हमें लंबा टाइम चाहिए और उस पर सस्टेन रह के काम करना पड़ेगा, फुल्ली फोकस होके तब जाके हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तीसरे ने कहा कि सर हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिनेरियो है कि कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट है और कैसे हमें उस पर काम करना चाहिए इफेक्टिवली, ऐसे हम नहीं करते। हमने पिछला प्लान हमारा पूरा हुआ उसको हमने मॉनिटर नहीं किया, एग्जामिन नहीं किया कि उसके ड्रॉबैक क्या है और हमें क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं करते हम, बल्कि अगले साल एक नया प्लान बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं। ऐसे करके अलग अलग इकोनॉमिक्सों ने अपनी अलग अलग राय दी। फिर एक इकोनॉमिक्स ने कहा कि सर हमें एक्सपर्ट चाहिए अलग अलग फील्ड के और ग्राउंड लेवल पर काम चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उसको पता करके और तब एक्सपर्ट के थ्रू हम बेस्ट प्लान बनाएं और तब उसको एग्जीक्यूट करें और उसको पूरा करें। ये सारे व्यूज सुनने के बाद उन्होंने कहा कि एक तो प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर जो है अधूरा है, टेक्निकली अपग्रेडेड नहीं है, अब इस ये महत्वहीन हो गया है, इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जब इंपॉर्टेंस कम है तो इसको रखने की क्या जरूरत है, बंद करो इसको। और आप देखेंगे कि अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने और डिसॉल्व करके कहा कि आज की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कमीशन हमें फॉर्म करना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूशन हमें फॉर्म करना चाहिए। और तब जाके ठीक उसके 4-5 महीने बाद 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, मतलब ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कर दी गई। क्लियर हुआ? बिल्कुल, नरसिम्हा राव ने के टेन्योर में आया था लेकिन वेस्टर्न कंट्री के लोग अपन लोगों को हिंदू ग्रोथ रेट नाम से चिढ़ाते हैं क्योंकि हिंदू पॉपुलस कंट्री है, तो उन लोगों को एक वर्ड मिल गया हिंदू ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो वो अपन लोगों को ऐसे हिंदू ग्रोथ रेट कह के चिढ़ाते हैं क्योंकि अपन लोग कभी डबल डिजिट में नहीं आए, नहीं आई मनोज, डबल डिजिट में नहीं आई है, देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है। आइए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक आप कांस्टेंट रह के काम कीजिएगा तो ही आप देखेंगे कि आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा। बिल्कुल, साउथ इंडिया के एक इकोनॉमिक्स है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, उन्होंने नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट का, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल करके वेस्टर्न कंट्री के लोग हिंदू ग्रोथ रेट कह के हमें चिढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, अरे हाँ या ना लोकेश, क्लियर हुआ? क्या सर ऐसे तो नरसिम्हा राव इन्फ्लुएंस हुए थे सर? हाँ बिल्कुल, अरे नरसिम्हा राव इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन इन्फ्लुएंस होने से काम थोड़ी होता है भाई। मान लो इन्फ्लुएंस हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया, लेकिन क्या उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से हमारी गाड़ी पटरी पे तो आ गई, लेकिन जो डबल डिजिट का ग्रोथ रेट है क्या हमने उसको अचीव किया? नहीं। और जो प्लानिंग कमीशन का प्रोजेक्ट था
प्लानिंग कमीशन के जो ड्रॉबैक थे, क्या हमने उसको दूर किया? नहीं किया। क्या था भाई? भाई प्लानिंग कमीशन के ड्रॉबैक क्या थे कि लास्ट प्लान को मॉनिटर करना है और उसको फिर आगे उस प्लान को आगे इंप्लीमेंट करना है। नहीं किया हमने, ठीक है। अरे भाई हमने हिंदू ग्रोथ रेट से वो इंस्पायर नहीं हुए थे उस समय हमारे देश की। उस समय हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी ये रिफॉर्म्स की, क्योंकि हमारे पास गोल्ड का स्टॉक नहीं था जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए, देश में इन्फ्लेशन हाई लेवल पर था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से लिमिटेड था, गुड्स की प्राइस बहुत हाई थी, ऐसे कई सारे कंडीशंस क्रिएट हो गए थे जो हमें मजबूर कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए। क्योंकि उससे पहले मतलब 1985-88 के बीच में चंद्रशेखर ने 22 टन सोना गिरवी रखा था वर्ल्ड बैंक के पास ताकि हमें करेंसी प्रिंट करने की परमिशन मिले और हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सके। धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया 2-3 सालों में, और 90 आते आते हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डम कर गई। ना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था, ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी थी, ना ही हमारे पास करेंसी प्रिंट करने के लिए पैसा था। तो उस समय हमारी रिक्वायरमेंट थी अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, उसके अलावे अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। समझ में आ रही बात? मतलब ये होता है कि हम लोग उस समय घुटने टेक चुके थे कि अब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हम वर्ल्ड बैंक के पास गए और वर्ल्ड बैंक ने हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सुझाव दिया कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे तब तक आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो सकता, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें ताकि मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स हो, ओपन मार्केट हो, वहाँ के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, और ओपन इकोनॉमी अपनी मार्केट खुलने के साथ ही ये सारे सिचुएशन बदल जाएंगे। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई लोकेश? बात समझ में आई? ये बात थी, उससे इंस्पायर थी, ठीक है। आइए अब आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब गैर संवैधानिक भी निकाय, इसके बारे में भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। चेयरमैन इसका भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वाइस चेयरमैन का पोस्ट इसमें बनाए गए हैं। पहले वाइस चेयरमैन बने थे अरविंद पनगड़िया, ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, जर्मनी में कि किसी देश में वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने 1.5 साल तक जॉब किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। वर्तमान में राजीव कुमार रिसेंटली अभी है इसके वाइस चेयरमैन, किसके? नीति आयोग के। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिसेंट अभी करेंट में कौन चेयरमैन है। उसके अलावा इसमें 5 फुल टाइम मेंबर की पोजीशन है जिसमें 4 लोगों को अभी अपॉइंट किया गया है, और ये चारों अलग अलग फील्ड से। फर्स्ट वाज रमेश चंद्रा, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। पूछा एग्जाम में कि रमेश चंद्रा इज रिलेटेड टू विच फील्ड, रमेश चंद्र का संबंध किससे है, ठीक है। उसके बाद वीके पॉल नियोटोलॉजिस्ट है, शिशु विशेषज्ञ है जिन्होंने चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को कम किया था। उसके बाद विवेक देवराय, ये इकोनॉमिक्स है विवेक देवराय, और बीके सारस्वत ये है एक्स चीफ ऑफ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, और 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था डीआरडीओ का। तो ये चारों लोग अलग अलग फील्ड से हैं और इनमें डिफरेंट पैनलिस्ट को रखा गया जिनको जब भी जरूरत हो तो इसके अकॉर्डिंग इनसे सुझाव लेके और फिर गवर्नमेंट उस पर काम कर सकेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? आइए आइए अब बात करते हैं हम लोग। उसके बाद फर्स्ट सीईओ नीति आयोग सिंधु श्री खुल्ला, मतलब प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था, सॉरी सीईओ था, उसी को नीति आयोग का चेयरमैन बनाया गया। बाद में इनका टेनियर खत्म हो गया तो इनकी जगह अमिताभ कांत को बनाया गया। अमिताभ कांत का भी टेन्योर खत्म होने वाला था तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है।
उस अभी रिसेंट में अमिताभ कांत है सीईओ, उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल है वो इसके वैधानिक सदस्य हैं, मतलब इनका मेंबर सभी लोग स्टेचुरी मेंबर है, ठीक है, आना ही आना है और इसके मेंबर होंगे, ठीक है। नीति आयोग को थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब बौद्धिक संस्थान कहा जाता है। बौद्धिक संस्थान का मतलब एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट स्कॉलर्स को रखा गया है, ताकि जब भी गवर्नमेंट को उस सेक्टर्स की सेक्टर के रिगार्डिंग को रिफॉर्म्स या पॉलिसी की रिक्वायरमेंट हो, उन एक्सपर्ट्स से सुझाव लेके और उस तरह की पॉलिसी को फॉर्म करके इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि इंस्टेंट डेवलपमेंट हो। पहले क्या था, एक ही इकोनॉमिक्स हर सेक्टर के लिए प्लान फॉर्म करता था, तो वो एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, ओवरऑल हो सकता था। तो यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट को इसमें पैनलिस्ट बनाया गया है, ताकि जब जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप लॉ फॉर्म करके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्लियर, क्लियर हो गया जी यहां तक सबको? कोई दिक्कत? पक्का स्नैपशॉट ले लिया था? क्लियर, चलिए ये हो गया क्लियर। अब आप देखेंगे इन दोनों के काम में डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति, शॉर्ट में लिख लो ना, नीति आयोग, एक तरफ प्लानिंग कमीशन टू प्रिपेयर फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना तैयार करना, ठीक है, टू मॉनिटर फाइव ईयर प्लान, उसके बाद टू एग्जामिन फाइव ईयर प्लान, उसके बाद टू इंप्लीमेंट फाइव ईयर प्लान, यहां पर है टू प्रिपेयर 12 ईयर्स प्रोग्राम, 12 वर्षीय योजना बनाना, नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एक्चुअल डाटा, उसके बाद कलेक्शन ऑफ एक्चुअल डाटा, उसके बाद डेवलपमेंट विथ बॉटम टू टॉप प्लान फॉर्मेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट खत्म ही हो गया। एक और पॉइंट है यहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब योजना का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। आइए
इसमें दोनों के काम में क्या डिफरेंस है? हिंदी में सर, अच्छा हिंदी में लिख दूं, चलो अभी यार, चलो अभी समझा देता हूं मैं, जगह कम है और ये 12वां स्लाइड है, एक मिनट नहीं लिखूंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, एक मिनट, और टाइम किंग होता है इस तरह से लिखने में, ठीक है। एक तो हो गया पंचवर्षीय योजना तैयार करना, पंचवर्षीय योजना तैयार करना, योजना का निर्धारण करना, योजना लागू करना, योजना का मूल्यांकन करना, योजना को योजना का विस्तारण करना, ठीक है। उसके बाद ये है 12 वर्षीय योजना बनाने, 12 वर्षीय कार्यक्रम बनाना, उसके बाद वास्तविक आंकड़ों का संकलन, वास्तविक आंकड़ों का संकलन, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, निम्न से उच्च की तरफ विकास की तरफ विकास, फिर उसके बाद प्लान फॉर्मेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञों द्वारा, विषय विशेषज्ञों द्वारा योजना तैयार, उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का प्रयोग, और फिर है डिसिप्लिनरी प्लानिंग, योजना का विकेंद्रीकरण, योजना का विकेंद्रीकरण करना। आइए सर, ठीक है, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, प्लानिंग कमीशन और इनके, इन दोनों के काम में डिफरेंसेस क्या थे। प्लानिंग कमीशन का काम था 5-year प्लान बनाना, मतलब पंचवर्षीय योजना, जिसमें अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। उन पंचवर्षीय योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना
उनको एग्जामिन करना और उनके जो भी ड्रॉबैक हैं उनको ध्यान में रख के नेक्स्ट प्लान फॉर्म करना, यही काम था प्लानिंग कमीशन का, जिसमें अलग अलग डेटाज कलेक्ट करते थे, डेटाज कलेक्ट करके उस पर मीटिंग होती थी, उन डेटाज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान फॉर्म करना, प्लान इम्प्लीमेंट करना और प्लान को मॉनिटर करना, ये उनका काम होता था सिंपली, और इम्प्लीमेंट करते थे। अब होता क्या था कि यहाँ पर मान लीजिए डेटा कलेक्ट किया अगला प्लान बनाने के लिए, आ गया डेटा, अब वो प्लान बन गया, फिर जब अगला प्लान बनता था तो उसी डेटा में थोड़ा बहुत चेंज करके और अगला प्लान एग्जीक्यूट करते थे। जैसे मान लीजिए आज आपने डेटा कलेक्ट किया तो एग्रीकल्चर की आपको एक्चुअल कंडीशन पता होगी, इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब मान लो अगली बार जब प्लान बनेगा तो फिर उस समय आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि उस समय का सिनेरियो क्या है, तो पिछले वाले डेटा के हिसाब से ही प्लस माइनस करके, और अगर किसी चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके हमने प्लस माइनस करके उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या एक्चुअल में प्लान इंप्लीमेंट होगा? नहीं। तो कैसे होता जी? जब पिछले प्लान के लिए हमने जो डेटा बनाया था वो वही खत्म, फिर नए प्लान के लिए नया डेटा कलेक्ट करते और फिर उसको हम आगे बढ़ाते। दूसरी बात, इंप्लीमेंट हो गया तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कितना, कहाँ कहाँ क्या सिचुएशन है, उसको हमें समझना होगा, और जब वो प्लान खत्म होगा तो जो उसके ड्रॉबैक है उसको ध्यान में रख के हम अगला प्लान बनाएंगे और फिर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, न कि अगले प्लान में हम फिर से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिससे पुराना वाला यूं ही रह जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लान बनाना, उसको मॉनिटर करना, एग्जामिन करना और इम्प्लीमेंटेशन, यही काम थे प्लानिंग कमीशन के। यहां क्या कहा नीति आयोग ने? नीति आयोग ने कहा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें, हमारे लिए 5 साल की योजना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो, हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ऐसी कंडीशन है कि 5 ईयर्स में हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग और ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है। तो अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से डेवलपमेंट हो तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए जिसमें हम सस्टेन रह के लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे, तो ही उस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने 5 साल की बजाय 12 ईयर्स का एजेंडा अपनाने की बात कही है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल डाटा, वास्तविक डाटाओं का संकलन होना चाहिए सभी फील्ड का, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सके और उसको डेवलप कर सके। तीसरी बात कही, डेवलपमेंट विथ बॉटम टू टॉप। भाई आज हमारा देश 2 पार्ट में बटा है, भारत और इंडिया। भारत वो जो गांव में बसता है और इंडिया वो जो शहरों में बसता है। अगर हम बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट करेंगे, मतलब गांव को अगर विकसित करते हैं तो शहर अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो जरूरत है कि हमें बॉटम टू टॉप डेवलप करने की ये प्रायोरिटी हमें निर्धारित करनी होगी। तीसरा, प्लान फॉर्मेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। हमने एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया कि हमें, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू हमने बेस्ट प्लान फॉर्म कराया और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो हम जाके डेवलपमेंट कर पाएंगे। तीसरा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के डेट में अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते तो आप अधूरे हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि अगर हम इतना मैन फोर्स या इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने टाइम में हम इस प्लान को पूरा कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन चीजों को समझना और करना बहुत ही आसान हो गया है, तो टेक्नोलॉजी यूज करें। और पांचवा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब योजना का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? अपन एसी में बैठ के और मान लीजिए किसानों के लिए रूल्स बना रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल सिनेरियो क्या पता है कि किसान क्या महसूस करता है, किस सीजन में उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई प्लान फॉर्म करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक जो भी उससे रिलेटेड है उन सबसे हम सुझाव, सलाह, सजेशंस लेंगे, मतलब किसान से, गाँव में, तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और फिर इन सभी के सजेशंस को हम रखेंगे किसके सामने, एक्सपर्ट के सामने, और तब जाके हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें काम क्या करना है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को डिफाइन किया नीति आयोग ने और कहा कि ये आज की जरूरत है और तभी डेवलपमेंट हो पाएगा जब हम इसके माध्यम से काम करेंगे। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में
क्या नीति आयोग इनके थ्रू डबल डिजिट्स में ग्रोथ रेट पहुंचा पाती है या फिर बातें ही रह जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और भविष्य के गर्भ में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बड़े कल हम लोग मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ कुछ और नई बातें लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल बता दूंगा, कल टाइम हो गया, दूसरे सर आ गए हैं।